हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी, ये हमारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का सीरीज़ चल रहा है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, आई थिंक। हाँ, चैप्टर फर्स्ट ही है। उसके मैंने प्रीवियस वीडियोज़ भी अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए, ठीक है? तो आप वहाँ से पहले प्रीवियस वीडियोज़ पहले देख लो, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, हमने बिजनेस क्लासिफिकेशन का क्या किया था, ये इंडस्ट्री पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? कॉमर्स क्या होता है? इट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में दो तरीके की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। पहला होता है ट्रेड, दूसरा होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। आइए देख लेते हैं इन दोनों को डिटेल में। ट्रेड क्या होता है हमारा? इट रिफर्स टू द सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, कोई भी गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं, मतलब वही बेचना और ख़रीदना, ठीक है? इट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू यू अल्टीमेट कंज्यूमर। ये क्या करता है कि ये हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करता है और हमारे जो कंज्यूमर है उन तक पहुंचाता है, ठीक है? अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स, ठीक है, उन तक पहुंचाता है। ट्रेड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में होलसेलर आते हैं और रिटेलर आता है। होलसेलर क्या होता है, जो हमारे सामान को बल्क में बेचता है, ठीक है, जो 100-150 पीस से कम में ना बेचता हो। रिटेलर क्या होते हैं, जो कि हर टाइप के प्रोडक्ट रखता है, ठीक है, और वो क्या करता है, छोटे छोटे लॉट्स में भी सामान दे देता है, एक दो पीस में भी। होलसेलर मेनली क्या होते हैं, वो एक तरीके का आइटम बेचते हैं, ठीक है? अगर वो शैम्पू बेच रहे हैं तो सिर्फ शैम्पू ही बेचेंगे, ठीक है, और उसको भी स्मॉल लॉट्स में नहीं देंगे, बिग लॉट्स में देंगे, ठीक है? रिटेलर्स हर तरीके के प्रोडक्ट्स रखते हैं और उसको पीसेज में भी देते हैं। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल, इसमें आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, बाहर से सामान मंगाना, ठीक है, कहीं दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से सामान अपने देश में मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से फॉरेन कंट्रीज में सामान बेचना। इंट्रीपोर्ट की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। इंट्रीपोर्ट मतलब क्या होता है कि दूसरे शहर से हम सामान मंगा तो रहे हैं लेकिन हम उसको अपने शहर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको तुरंत किसी और शहर में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरे शहर से सामान मंगाना, थोड़ा उस पर प्रॉफिट रखना, फिर किसी और शहर में बेच देना, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड इज नोन एज एड्स ऑफ ट्रेड। ऐसी एक्टिविटीज जो किस चीज में हेल्प करती हो, जो हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस चीजों में हेल्प करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ठीक है। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेज विच अराइज इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्या करती है, बहुत सारे हिंड्रेंसेज मतलब कमी को दूर करती है, जो कि प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक के बीच में आता है, ठीक है। सामान प्रोड्यूस करने से सामान कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो बहुत सारी क्या होती है, कमियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उन सारी कमियों को क्या करता है, दूर करता है। वो हिंड्रेंसेस किस तरीके के होते हैं, जैसे द हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, जैसे लोगों की कमी की केस लोगों को बेचे, प्लेस की कमी कहाँ बेचे, टाइम की कमी कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचा दे, रिस्क कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, सामान ख़राब हो सकता है, फाइनेंस की प्रोडक्शन के लिए हम फाइनेंस कहाँ से लाएं, और इन्फॉर्मेशन कि जो सामान हमने प्रोड्यूस कर लिया उसका क्या करें, इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुँचाएं, ठीक है। तो ये हिंड्रेंसेस कैसे दूर हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, हमारा सामान बिक जाएगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन से जो हमारी इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंस होगी वो भी दूर हो जाएगी। बैंकिंग एंड जैसे कि इंश्योरेंस है, तो जैसे कि रिस्क होता है कि सामान ख़राब ना हो जाए तो उस सामान का क्या करा लो, इंश्योरेंस करा लो, ठीक है। वेयर हाउसिंग कि ठीक है किस प्लेस कहाँ रखे सामान को, तो प्लेस की क्या करती है, कमी वेयर हाउसिंग दूर कर देती है। वेयर हाउसिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपने सामान को स्टोर महीनों महीनों तक करके रखे रहते हैं। एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन की कौन दूर कर देता है प्रॉब्लम, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि एडवर्टाइज़ कर दो तो लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम नंबर और मेरा जीमेल दिया हुआ है, आप उस पेटीएम नंबर पे 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से मुझे पेमेंट कर देना। उस पेमेंट का आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे देना। जिस जीमेल से आप मुझे मैसेज करोगे उसी जीमेल पे मैं क्या करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी विद इन 1 आवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।